यूनिट 6 इंडियन इकोनॉमी के टॉपिकों में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही कुछ और विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, है ना, वित्तीय संस्थाओं के तौर पर हम आरबीआई देख चुके हैं और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनबीएफसी, इस पर अभी चर्चा हमने करनी है। तो फिलहाल हम इस पर जो टॉपिक है विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, इसमें कुछ बातों को करते हैं जो यहाँ पर रह गई हैं शेष। तो भारत के विदेशी व्यापार के अंतर्गत हमने जो आयात और निर्यात है इसकी अपडेट कंडीशंस को अभी देखना है। तो ये जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है, ये हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है इसको हम लोग एग्जिम पॉलिसी भी कहते हैं, और ये एग्जिम पॉलिसी को हैंडल करने के लिए एग्जिम बैंक 1982 में बनाया गया, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखने का काम करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखने का काम करते हैं। ये जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है 1990, इसको हम ट्रेड पॉलिसी भी बोल सकते हैं, ट्रेड पॉलिसी भी हम बोल सकते हैं, इसको एग्जिम पॉलिसी भी हम बोल सकते हैं, जो आप सुविधा के लिए याद रखें। अब 1991 के पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्लोज इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, हम व्यापार चाहकर भी इधर उधर नहीं कर सकते थे, हमारी पॉलिसी इस तरीके की नहीं थी। और 1991 के बाद जो थी वो हमारी अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी हो गई और हम व्यापार जो है खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर करने लगे। तो 1991 के पहले जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी थी हमारे भारत में, 1991 के पहले हमारा जो एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट बेन था, हमारे यहाँ निर्यात में प्रतिबंध था, और इम्पोर्ट हमारा जो था वो भी बेन था। आयात मतलब बाहर से सामान मंगाना, इम्पोर्ट करना, और निर्यात मतलब देश से सामान बेचना, दोनों पर प्रतिबंध था। 91 के बाद जब ओपन इकोनॉमी आई तो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को बढ़ावा दिया, हमने निर्यात को प्रोत्साहित किया, अपने देश से सामान हम लोग बाहर बेचने लगे, और इसके अलावा हम इम्पोर्ट जो है सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे भी काम करने लगे, अर्थात आयात प्रतिस्थापन पे भी हम काम करने लगे, और जितनी हमारी आवश्यकताएं थी उतनी चीज़ों को हम बाहर से मंगाने भी लगे। तो 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बंद थी, जिसके नाते आयात और निर्यात दोनों पर प्रतिबंध था, केवल सरकार से विशेष अनुमति लेकर ही कोई आवश्यक आयात निर्यात किया जा सकता था, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लोज इकोनॉमी के अंतर्गत। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में तब्दील हो गई और आयात निर्यात के अवसर उत्पन्न हो गए, और एक कोटा या मात्रात्मक स्तर पर लाइसेंस जो है व्यवस्था लाई गई, और परमिट व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। कोटा, लाइसेंस और परमिट जो व्यवस्थाएं थी, है ना, मात्रात्मक स्तर पर कोटा, लाइसेंस गुणात्मक स्तर पर जो था, या परमिट जो प्रशासनिक प्रतिबंध की व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। मतलब कोटा सिस्टम जो था मात्रात्मक स्तर पर, लाइसेंस सिस्टम जो था वो गुणात्मक स्तर पर, और जो परमिट था प्रशासनिक स्तर पर प्रतिबंध था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हमारी जो पॉलिसी है उसमें कुछ इजाफा ये हुआ कि हमने 1991 के बाद जो हमारी इम्पोर्ट पॉलिसी बनाई, उस 1991 की इम्पोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए। एक सिंपल सी बात यह है कि 1950 में हम तो थे शून्य और 2021 में हम सृजन की ओर अग्रसर हुए। इस दौर में 1991 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज इकोनॉमी थी, हम चाहकर भी इधर उधर जाकर व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते थे, हमारा इम्पोर्ट बैन था, हमारा एक्सपोर्ट बैन था। 1991 के बाद हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों जो है ओपन हो गया। तो हमारी जो इम्पोर्ट पॉलिसी आयात निर्यात नीति 1991 के बाद रही वो हमारी आयात प्रतिस्थापन की नीति रही, और हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की पॉलिसी आई, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो है 1991 के बाद हमको देखने को मिली, अर्थात हमने जो है अधिक मात्रा में जो है आयात को प्रोत्साहित किया, हमने अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो आयात को प्रोत्साहित किया। हमारे सारे के सारे टॉपिक का इंटरलिंक आप जरूर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, आरबीआई, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनबीएफसी, निश्चित तौर पर ये जो 8 से
10 टॉपिक है ना, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यूनिट 6 जो है दो पार्ट में बटी हुई है, एक पार्ट पॉलिटी वाला है तो आप ये मान के चलिए 5 क्वेश्चन यहाँ से, और एक पार्ट इकोनॉमी वाला है तो 5 क्वेश्चन यहाँ से, है ना, कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप इंडियन इकोनॉमी से मान के चलिए 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो 5 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो आपको अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी ही पड़ेगी। तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो लाई गई, वह नीति जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जिन क्षेत्रों में आयात अधिक है उन्हें देश में बनाने और विनिर्मित करने का विकल्प तैयार किया जा रहा है, और आयात प्रतिस्थापन की नीति इसको कहा गया, कि हम धीरे धीरे जो चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं उनमें कमी करेंगे और उनको अपने यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो पेट्रोलियम के आयात को कम करने के लिए हमने सोलर एनर्जी, विंड सेल, फ्यूल सेल, हाँ, पाइजोनिक सेल आदि प्रकार के नॉन जो कन्वर्जन सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करी, और इस क्षेत्र में हम काफ़ी स्तर पर सफल भी रहे। देश के अंदर हमने पेट्रोलियम की, यूरेनियम की, नई खदानों की खोज की, और अभी भी प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी कुछ चेंज किए, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाने के लिए हमने निर्यात प्रोत्साहन नीति लाई, इसके बाद हमने 2004 के बाद एक्सपोर्ट ब्रांडिंग पॉलिसी लाई, और दोनों ही स्तर पर हमारा ये प्रयास था कि हम निर्यात को बढ़ावा दें, अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करें। तो हमने कुटीर, लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाए, हमने बहुत सारे निर्यात केंद्र खोले, निर्यात केंद्रों को सस्ती दर पर हमने लोन उपलब्ध कराए, निर्यात की गतिविधियों को हमने टैक्स से फ्री किया, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, निर्यातकों को हमने विदेशों में भी सहायताएँ दी, और हमने निर्यातकों के लिए जो है बीमा व्यवस्थाएं भी करी, कि अगर आप कोई सामान हमारे यहाँ से ले आ रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको भी रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने 2004 के बाद एक्सपोर्ट ब्रांडिंग पॉलिसी लाई, जहाँ पर हमने निर्यात को विदेशों में वरीयता देने के लिए प्रयास किए, निर्यात हमारे यहाँ से जो सामान का हो रहा है उसकी ब्रांडिंग हमने करने की कोशिश की। सरकार ने इसके लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम किए, हमने रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए काम किए, हमने बहुत सारे नारे या स्लोगन्स के माध्यम से अपनी चीज़ों को डेवलप किया। इसके अलावा हमने मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स लिए, मार्केट डेवलपमेंट एक्सेस लिए, हमने इंटेलेक्चुअल पॉलिसीज़ बनाई, और हर स्तर पर हमारी कोशिश रही कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें। 2004 के पहले हमारा जो ट्रेड या एग्जिम पॉलिसी थी वो नियमित नीति नहीं थी, लेकिन 2004 के बाद हर 5 साल में हमने अपनी पॉलिसी लाई, हमने अपनी एग्जिम पॉलिसी को बेहतर किया, और हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो जो है वो आती रही। तो 2004 में हमने अपनी पहली व्यापार की व्यापक नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 में व्यापक स्तर पर लाई 5 साल के लिए, और 2004 से 2009 में हमने अपनी पहली व्यापार की व्यापक नीति लाई, व्यापार के क्षेत्र में बदलाव की नींव रखी, और भारत में व्यापार सिर्फ अभी तक संपन्न वर्गों से जुड़ा हुआ माना जाता था, शहरी संपन्न लोगों से जुड़ा माना जाता था, तो हमने व्यापार को जो है समावेशी बनाया, इंक्लूसिव बनाया, और आर्थिक समृद्धि की धुरी विकसित करने का प्रयास किया, और उद्देश्य एक ही था कि भारत का जो पूरे ट्रेड आज 0.75% पूरी दुनिया में भागीदारी है, ये बढ़कर 1.5 हो जाए और धीरे से बढ़कर ये 2% हो जाए, मतलब हम अपने वर्ल्ड सिनेरियो में ट्रेड पॉलिसी में हिस्सेदारी को बढ़ावा करने के लिए प्रयास करते रहे। इसके लिए हम अपने निर्यात को $100 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास का लक्ष्य रखा, और आयात निर्यात को समावेशी बनाने का, साथ ही आर्थिक समृद्धि का भाग बनाने का प्रयास किया। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, हमने जवाहरात और आभूषण को फोकस प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया, हमने लेदर को डेवलप करने के लिए, हमने हैंडक्राफ्ट हैंड ड्राफ्टिंग प्रोडक्ट को, हथकरघा हैंडलूम को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, हर चीज़ को डेवलप करने के प्रयास अपने स्तर पर किए, और एक प्रकार से हमने फोकस मार्केट प्रोग्राम चलाए, और फोकस मार्केट प्रोग्राम में हमने जितने भी हमारी रत्न आभूषण हैं, जवाहरात हैं, चमड़े हैं, हस्तशिल्प की चीज़ें हैं, हथकरघा है, है ना, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल है, समुद्री उत्पाद है, हमारा सी प्रोडक्ट है, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और ये हमारा फूड प्रोडक्ट मार्केट हमने डेवलप करने का प्रयास किया, सबका भी प्रतिशत भी देख लेंगे अपडेट क्या है। इसके अलावा हमने फोकस मार्केट प्रोग्राम भी चलाया, है ना, फोकस मार्केट प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें हमने कुछ स्पेशल एरियाज़ में फोकस किया, लैटिन अमेरिका में फोकस किया, हमने अमेरिकन कंटिनेंटल में फोकस किया, आशियान के क्षेत्र में हमने फोकस किया, हमने वेस्ट एशिया में फोकस किया, और इसके अलावा हमने एक टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सीलेंस प्रोग्राम, है ना,
टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सीलेंस प्रोग्राम पर भी काम किया। टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सपीरियंस प्रोग्राम निर्यात के विशेषज्ञता वाले शहरों पर हमने ध्यान किया, जहां पर फोकस प्रोडक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को हमने 150 करोड़ से अधिक का हमने निर्यात किया, और उसमें हमने 1000 के आसपास उत्पाद जो थे उनको धीरे धीरे बढ़ा करके 1000 करोड़ तक का हमने निर्यात इस टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस के अंतर्गत किया। और भारत में ऐसे 35 शहरों को हम अब तक दर्जा दे चुके हैं, और ऐसे 35 शहरों को हम दर्जा दे चुके हैं जहां पर स्पेशल प्रोडक्ट जो टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के दर्जे के अंतर्गत अब तक आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी 2-3 शहर हैं, भोपाल है, इंदौर है, है ना, जबलपुर है, ग्वालियर है, ये 4 शहरों को जो है ये टाउन एक्सपर्ट एक्सीलेंस के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो हमारे प्रयास इस तरीके के रहे। इसके अलावा हमने मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट पर भी काम किया। मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट पर भी हमने काम किया। तो मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट के अंतर्गत हमने बाजार विकास में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में जो भी व्यापारिक निर्यातक हैं उनको सहायता देने के लिए पासपोर्ट से लेकर वीज़ा प्राप्त करने से लेकर, है ना, विदेशों में जो जितनी अधिक सुविधाएँ ट्रेड फेयर जैसे प्रोग्राम्स वगैरह करने को लेकर हमने बढ़ावा दिया, और ये हमारा प्रोग्राम रहा। तो हमने फोकस ऑन प्रोडक्ट मार्केट लाया जिसमें हमने अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया। फोकस ऑन मार्केट पॉलिसी प्रोग्राम हमने लाया। टाउन एक्सपर्ट एक्सीलेंस एक्सपोर्ट एक्सीलेंस प्रोग्राम के साथ हमने 35 शहरों का चयन किया। मध्य प्रदेश के भी 4 शहर इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा हमारा जो मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट है इसमें भी हमने इस दिशा में काम किया। सरकार की जो नीति रही मुख्य तौर पे वो ये रही कि हम $100 बिलियन से अधिक का निर्यात करें, और हमारा वैश्विक भागीदारी जो 0.75% है उसको बढ़ा के 1% से 1.5% से 2.5% करें, और भविष्य में 2022 तक हम इसको $300 बिलियन तक करने का प्रयास करो। और ई ट्रेडिंग के लिए हमारे इस क्षेत्र में हम काम कर ही रहे हैं। तो हमने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 से 2014 में भी लाने का प्रयास किया, इसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने 2015 से 2020 भी लाने का प्रयास किया, और अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 चल रही है, इसके जो लक्ष्य हैं ये 1.5% से बढ़कर जो है 3.5 लक्ष्य हमारा हो गया है, और $100 बिलियन से जो हम $300 बिलियन तक के लक्ष्य को प्राप्त कर गए थे इसको हमने $900 बिलियन तक का निर्यात करने का टारगेट हमने रखा है। वस्तु और सेवा दोनों ही क्षेत्र में मिला करके ये हमारा प्रयास है कि हम इसको अचीव करें, और इस दिशा में अभी हम काम भी कर रहे हैं। और $900 अरब हमने निश्चित तौर पर लक्ष्य रखा है, और आज की डेट में लगभग मान के चलिए $500 बिलियन का निर्यात हम कर रहे हैं, $500 बिलियन का निर्यात कर रहे हैं, जिसमें हम करीब मान के चलिए कि $500 बिलियन में हमने जो है $300 बिलियन जो है गुड्स का हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, और लगभग $200 बिलियन जो है हम लगभग सर्विस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। ये हमारा $900 बिलियन का लक्ष्य है। निश्चित तौर पर हम इसको प्राप्त करेंगे आने वाले समय में, कुछ कंडीशन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि हम इसको अचीव नहीं कर पाए। और चाइना से अकेले $500 बिलियन में हमारा $100 बिलियन का लक्ष्य है, और विश्व में अगर चाइना की बात करें तो वो $3400 बिलियन का निर्यात आज की डेट में करता है। उनकी पॉलिसी इस तरीके की है, उनका ट्रेड एनालिसिस इस तरीके का है। अब अगर हम बात करें तो भारत में निर्यात उत्पाद या सेवाएं कौन कौन सी हैं उनका क्रम यहां पर याद रखें। सॉफ्टवेयर में हम नंबर 1 पर हैं, और कृषि उत्पाद नंबर 2 पर है, और चमड़ा नंबर 3 पर है। ये अभी 2020 की स्थिति है। सॉफ्टवेयर में हम सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का। दूसरे नंबर पर हम कृषि उत्पाद का कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर हम कृषि उत्पाद का कर रहे हैं। कौन कौन से हमारे निर्यात उत्पाद हैं वर्ष 2020-21 के अंदर, ये हमें रखना, याद रखना है। तीसरे नंबर पर हमारा चमड़ा है, याद रखने के लिए। चौथे नंबर पर है रत्न एंड आभूषण। चौथे नंबर पर है रत्न और आभूषण। और इसके बाद जो है पांचवें नंबर पर आपको याद रखना है कि पांचवें नंबर पर जो है वो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं, है ना, हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडक्राफ्ट्स है, हस्तशिल्प सामग्री। तो अभी अगर आएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात उत्पाद क्या है तो आप सॉफ्टवेयर पर टिक लगाएंगे। और निर्यात हम किसको सबसे ज़्यादा कर रहे हैं भाई, निर्यात मतलब हमारे यहाँ से किन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये इन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोपीय यूनियन को हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, यूरोपीय यूनियन को हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन फर्स्ट नंबर पर है, यूरोपीय यूनियन का हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा है अभी। दूसरे नंबर पर यूएई है, दूसरे नंबर पर यूएई है ना,
तीसरे नंबर पर जो है अमेरिका है, चाइना जो है आज की परिस्थितियों में चौथे नंबर पर चला गया है, चाइना का चौथा नंबर है, और पांचवा नंबर जो है वो सिंगापुर का है, पांचवा नंबर जो है वो सिंगापुर का, मतलब हमारी ये निर्यात की स्थिति है। आप दिमाग में रखेंगे, आपके सिलेबस में ना भैया विदेशी व्यापार में आपने सारी चीज़ें देख ली। अब आप हम देख रहे हैं आयात और निर्यात, तो आयात को जो है प्रतिस्थापित कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, निर्यात को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो निर्यात को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमारा निर्यात $100 बिलियन से $300 बिलियन, $300 बिलियन से $500 बिलियन, लगभग पूरी दुनिया का 0.75% था, जो 1.5% तक पहुंच गया है, और 1.9 अभी रिसेंटली मार्च के पहले था, बिफोर कोरोना है ना, लॉकडाउन सेकंड के पहले, और अभी जो स्थिति है थोड़ी सी नाजुक हुई है, हालात थोड़े कमज़ोर हुए हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा 3.5% है, और 100 से 300 कर दिया हमने, 300 से हम 500 तक आ गए, 500 से 900 पे भी आएंगे, थोड़ा 2-3 साल और समय लग सकता है। तो यूरोपीय यूनियन के साथ अभी हमारा सबसे ज़्यादा निर्यात इस समय हो रहा है। इसके बाद अगर हम आयात की बात करें तो आयात उत्पाद में कच्चा तेल हम लोग सबसे ज़्यादा मंगा रहे हैं, है ना, कच्चा तेल, इसमें आप टॉप 3, टॉप 4, 5 याद रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग आयात मतलब इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा हम मंगा रहे हैं कच्चा तेल, कच्चा तेल के बाद आपका है क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल हम सबसे ज़्यादा मंगा रहे हैं, उसके बाद हम मंगा रहे हैं सोना, इसके बाद हम लोग कुछ पूंजीगत उत्पाद मंगा रहे हैं जो लंबे समय तक हमको काम आए, है ना, कैपिटल गुड्स हम मंगा रहे हैं और ये पूंजीगत उत्पाद है, कैपिटल गुड्स हैं ये मंगा रहे हैं हम। इसके बाद कैपिटल गुड्स के बाद जो है हम लोग मंगा रहे हैं मशीनरी आइटम और स्नेहक, है ना, मशीनरी जितनी भी है, ये नए डाटा है सारे, मशीनरी और स्नेहक ये अब भारत 2021 अगर इस बार की पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारे डाटा ये मिल जाएंगे, ठीक है। कच्चा तेल पहले नंबर पे, सोना दूसरे नंबर पे, कैपिटल गुड्स तीसरे नंबर पे, मशीनरी चौथे नंबर पे, और स्नेहक पांचवें नंबर पे। अब किन के साथ हमारा आयात हो रहा है भैया, तो आयात अभी भी हम आपको बता दें, अभी भी हम चाइना के साथ ही सबसे ज़्यादा आयात कर रहे हैं, उसके बाद यूएई है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है ना, तो सबसे ज़्यादा अभी भी हमारा चाइना के साथ ही आयात हो रहा है, सेकेंड नंबर पर जो है यूएई के साथ हो रहा है, थर्ड नंबर पर जो है वो स्विट्जरलैंड के साथ हो रहा है। अभी भी स्थिति हमारी जो है चाइना से व्यापार के मामले में बहुत ज़्यादा अभी कम ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद फिर यूएसए और सिंगापुर है, क्योंकि जो पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे ही रहेगा, है ना, उससे व्यापार एकदम से चीज़ें नहीं सुधरेंगी, है ना, और पाँचवें नंबर पर है आपका सिंगापुर। तो यूएई, चाइना पहले नंबर पे, हम सबसे ज़्यादा आयात कर रहे हैं चाइना के साथ, या एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछा हुआ है आयात निर्यात हमारा सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो चाइना के साथ हमारा आयात अभी भी सबसे ज़्यादा है, हालांकि उसमें कुछ कमी आई है। यूएई सेकेंड नंबर पर है, स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर यूएसए, और फिफ्थ नंबर पर जो है वो सिंगापुर है। अब हम बात करें हमारा कुल निर्यात कितना, कुल आयात कितना, तो हमारा कुल निर्यात जो है वो $477 बिलियन के आसपास हुआ है 2020-21 में, है ना, $477 बिलियन के आसपास, ये 2020-21 का नवीनतम डाटा है, ये हमारा टोटल निर्यात है, मतलब हमारा टोटल इंपोर्ट है, और टोटल हमारा जो आयात है हमने बाहर से जो मंगाया है वो 609 के आसपास मंगाया है, 609.9 के आसपास, तो आप इसको देख सकते हैं हमारा निर्यात घाटा 609.9, ये हमारा जो है आयात है। तो लगभग हमारा जो कैपिटल अकाउंट जो हमारा चालू खाता घाटा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है, आप देख सकते हैं कि 477 और 609 लगभग मान के चलिए आप 609 और ये 477, तो आप ये मान के चलिए 2-3 और ये हो गई, तो $132 बिलियन का हमारा अभी भी लॉस है, और हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है लगभग वो 3% के आसपास है, इससे ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था सहन भी नहीं कर सकती। तो ये हमारा आयात हो रहा है आज भी ज़्यादा, और निर्यात आज भी हो रहा है हमारा कम, और जब आयात निर्यात दोनों बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे, भुगतान संतुलन बोलेंगे, और हमारी अर्थव्यवस्था इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी, वो स्थिति अभी दिखाई दे नहीं रही है। तो हमारा कोशिश जो है सरकार का वो एग्जिम पॉलिसी में यही है कि स्थिति को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट पॉलिसी लाई जाए, इसके लिए एग्जिम बैंक 1982 में बनाया भी गया है, फोकस प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, फोकस मार्केट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, टाउन अप एक्सपोर्ट एक्सीलेंस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसपे मैंने चर्चा करी, और इसके अलावा जो है मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लगातार 2004 से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 9 से 14 के लिए और 15 से 20 के लिए बनाई गई है, आने वाले समय में भी सरकार इस स्तर पर प्रयास करेगी, ऐसी हमारी मंशा है, और जैसे ही हम अपने ट्रेड को बेहतर दिशा में ले आने की कोशिश
करने में सक्षम होंगे वर्तमान बदलती हुई परिस्थितियों के बाद, तो निस्संदेह निश्चित तौर पे हमारा आयात निर्यात हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और हमारा विदेशी व्यापार एक सही दिशा में काम करेगा जो देश की प्रगति को समृद्धि को तय करने में अहम भूमिका अदा करेगा। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना है कि भैया आयात सबसे ज़्यादा किससे होता है हमारा, चाइना से, है ना, निर्यात हमारा सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है, यूरोपीय यूनियन से, आयात निर्यात का वर्तमान डाटा क्या है, कौन से वो प्रोडक्ट हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, कौन से वो प्रोडक्ट हैं जिनके सबसे ज़्यादा हम आयात कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ आप इसको भारत 2021 से एक बार ज़रूर देख भी लेंगे आप, है ना, ये MPPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। थैंक यू।